अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ जोहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसलिए काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाल रही थी। आज थोड़ी सी हिम्मत की है क्योंकि गला अभी भी ठीक नहीं। आपको पता है सर्दियों का मौसम है, तो अगर आवाज़ ख़राब लगे एक तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके सामने चावल रखे हैं भिगोए हुए। वैसे मैंने बहुत सुना है कि चावल का पानी यानी राइस वाटर बालों पे लगाने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले एक महीने से अपने बालों में ये राइस वाटर अप्लाई कर रही हूं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को बता सकूं वाकई इसके बेनिफिट्स मिलते हैं या ये सिर्फ झूठ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, राइस वाटर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि राइस में लॉट्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी 100% इफेक्टिव है। जैपनीज और चाइना में तो लोग शैम्पू से ज़्यादा अपने बाल राइस वाटर से धोते हैं, जिससे क्या होता है उनके बाल काफ़ी लंबे होते हैं और 50-60 साल की उम्र के बावजूद उनके बाल ब्लैक होते हैं, वाइट नहीं होते, क्योंकि वो मोस्टली राइस वाटर को ही यूज़ करते हैं और केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपके पास ये चीज़ भी बता दूँ कि अगर आप राइस वाटर का कंटिन्यूसली मीन्स डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपका गंजपन जो होता है वो भी दूर हो जाएगा, आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे, आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। और इससे एक चीज़ और ये है कि अगर आपके बाल कहीं से वाइट हो रहे हैं तो कंटिन्यूसली यानी रेगुलर इस्तेमाल करने से, डेली इस्तेमाल करने से आपके बाल ब्लैक भी हो जाएंगे, यानी कि वाइट वो नहीं होंगे। और ये आपके बालों की बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और इसको बनाना बहुत आसान है, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो लाइक करने से क्या होगा कि मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि मेरा गला ख़राब है और मैंने आज आपके लिए बहुत ही उम्दा रेमेडी शेयर की है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक कप चावल लेना है और उसको अच्छे से धो लें, 3-4 दफ़ा धो लें ताकि उसकी मिट्टी और केमिकल निकल जाए। फिर उसको 4 घंटे के लिए भिगो दें। 4 घंटे भिगोने के बाद हमने इस पानी को लेना है, क्योंकि 4 घंटे भिगने के बाद इस पानी में चावलों के सारे मिनरल्स और विटामिन्स आ चुके हैं और इसी पानी को हमने इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊँगी इस पानी को आपने कितने दिन स्टोर करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ये राइस वाटर को मैंने बड़ी बॉटल में स्टोर कर लिया, इस तरह से ये देखें, ठीक है। ये आपको बता दूँ कि ये राइस वाटर तकरीबन 2-3 हफ्ते आपका आराम से चलेगा, क्योंकि कच्चे चावलों का पानी है, स्टार्च इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको 2-3 हफ्ते फ्रिज में रख के स्टोर करके रखेंगे, आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने स्प्रे बॉटल में पानी भर लेना है, किसी भी आप स्प्रे बॉटल में पानी भर लें और डेली सुबह जब आप कॉम करते हैं तो आपने ये अपने बालों में स्प्रे करना है, पूरे बालों के ऊपर, पूरे बाल पर आपने स्प्रे करना है। फिर देन दोबारा कंघा करना है और बालों को ऐसे ही नेचुरली ड्राई होने देंगे। आप ये डेली करेंगे, डेली बालों पे ये स्प्रे करेंगे, इससे क्या होगा कि डेली स्प्रे करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, आपके बाल सिल्की भी होंगे, शाइनी भी होंगे। और ये पानी जो आपके बालों में एज आ सीरम भी काम करेगा, एज आ कंडीशनर भी काम करेगा, आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा। और ये लाजमी नहीं है आप इसको इस्तेमाल करके डेली नहाएं, ज़रूरत ही नहाने की, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पानी है, इसमें स्टार्च भी नहीं है, इससे आपके बाल मेले भी नहीं लगेंगे, आपके बाल बहुत चमकदार सिल्की लगेंगे। इसको हर उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन और हजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या वो लोग जिनके गंजपन हैं वो इसमें सिर्फ एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करके अप्लाई करेंगे तो उनके बाल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। फिर बता रही हूँ जिनके गंजपन है, बाल नहीं आते, वो इसमें एक कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करेंगे, कैप्सूल विटामिन ई का बालों वाला ऐड करना है। फिर डेली उन्होंने उसको अप्लाई करना है, आप देखेंगे 15-20 दिन में उनके इंशाल्लाह नए बाल आने लग जाएंगे। तो ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने खुद अपने पे अप्लाई किए, पहले मैंने इसके रिजल्ट देखे देन आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप भी इसको इसी तरह से अप्लाई कीजिए, मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। एंड मुझे मेरे जी अपनी दुआ में याद रखिए।